हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज की इस वीडियो में जो हमारा सीजीपीएससी ई पाठशाला जो टेस्ट सीरीज होने वाला है उससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको आप लोगों से डिस्कस करना है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको टेस्ट पेपर कब मिलेगा, कितने टाइम मिलेगा, कितने टाइम में सॉल्व करना है, आपको आपका रैंक कैसे पता चलेगा। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रैंक सिस्टम नहीं लाया जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद आप में से बहुत लोगों की डिमांड रही कि हमको हमारा रैंक भी जानना है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को और मेहनत लगेगा और आप अपना रैंक पता कर सकते हैं। तो रैंक जानने का क्या प्रोसीजर है उसका एक लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपना रैंक आप पता कर सकते हैं, कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर में से आपकी किस पोजीशन पे या किस रैंक पर आप वैरी करते या रहते हैं। ठीक, देखिए, और साथ ही साथ जो सीजीपीएससी ई पाठशाला जो टेस्ट सीरीज का जो रजिस्ट्रेशन का कल लास्ट डेट था, लेकिन कल कुछ सर्वर इश्यू के कारण, सर्वर डाउन होने के कारण बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, इसलिए जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसे एक्सटेंड करके 18 अक्टूबर कर दिया गया है। आप 18 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 18 अक्टूबर के बाद भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद आप कभी भी, जब तक सीजीपीएससी के प्री परीक्षा नहीं हो जाते, आयोग द्वारा जो प्री एग्ज़ाम लिया जाता है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा तक आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन फी के साथ आपको लेट फी देना पड़ेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन फीस है आपका 300 रुपीज़, आपको लेट फी देना पड़ेगा 20 रुपीज़, 320 रुपीज़ आपको टोटल पे करना पड़ेगा। कब? इस 18 अक्टूबर के बाद। 18 अक्टूबर अब लास्ट डेट कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक चीज जो बहुत लोगों कॉल करके मेरे से पूछ रहे थे कल के दिन, 15 अक्टूबर के दिन, कि उनका अभी तक तैयारी हुआ नहीं है, उन्होंने तैयारी स्टार्ट किया नहीं है, तो क्या बाद में उनको ये टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं? लगभग कल 20 से 25 ऐसे लोगों के कॉल आए। देखिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला के टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन आपका लगभग 1.5 महीने तक चला, 1 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक हमने 1.5 महीने तक रजिस्ट्रेशन डेट रखा था। रजिस्ट्रेशन डेट रखने का मतलब ये नहीं था कि आप उस बीच में रजिस्ट्रेशन कराए, उसका मतलब ये था कि रजिस्ट्रेशन करवा करके आप तैयारी पर भिड़ जाए, तैयारी पर जुट जाए। लेकिन अब देखिए, अभी भी मेरे को मालूम है बहुत लोगों का अभी भी होश में आए नहीं है। अब पेपर आपका ये अक्टूबर लगभग एंड होने वाला है, ये पूरा आपका ये अक्टूबर ऐसे ही निकल जाए क्योंकि दिवाली आने वाला है। बचा है नवंबर और दिसंबर, मात्र 2 महीने आपके पास है। 20 अक्टूबर से पेपर चालू है, जो कि 19 आपके जनवरी तक हमारा टेस्ट सीरीज चलने वाला है। हर एक पेपर में आपका 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। 20 अक्टूबर के बाद आपका सीधा आपका 27 अक्टूबर को नेक्स्ट टेस्ट पेपर आपको मिलेगा। बहुत लोगों को टाइम टेबल नहीं भेजा गया है। देखिए, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको जस्ट अभी मेल कर दिया गया है। आप सभी अपना मेल चेक कर लीजिएगा कि आपके पास जो टाइम टेबल है, जो मतलब डेट डिसाइड किया गया टेस्ट सीरीज का, वो मेल आपको मिला है कि नहीं। नहीं मिला होगा तो हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लीजिएगा, कुछ एरर हो सकता है, बाकी सभी को मेल फॉरवर्ड कर दिया गया है। ठीक, तो लगभग एक सप्ताह का आपका, 1 वीक का गैप दिया गया है, उतना टाइम सफिशिएंट है एक सब्जेक्ट को पढ़ के तैयार करने के लिए। ठीक है, तो दूसरी चीज, यदि आप तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, पूरा आप रेडी हो चुके हैं, तभी जाकर के टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिएगा। आप बाद में कभी भी मुझसे कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, लेकिन बिना तैयारी करके अंधेरे में तीर चलाने से कोई मतलब नहीं है। पहले तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज कहीं नहीं जाने वाला। आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीन पे भी अभी शो हो जाएगा, आप व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन कभी भी करा सकते हैं। लेट फीस, देखिए लेट फीस भी ज़्यादा नहीं रखा गया, 20 रुपीज़ का लेट फीस रखा गया है। ये आपको होश में लाने के लिए रखा गया कि आप इतने टाइम से करके आ रहे थे। ठीक है, तो आप कभी भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप नवंबर में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दिसंबर में भी करा सकते हैं, जनवरी में भी करा सकते हैं। चलिए, आपके लिए सीजीपीएससी प्री एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस टेस्ट सीरीज को ईमानदारी से और तैयारी करके दें। ठीक, तो हड़बड़ाइए मत। ये 18 अक्टूबर या 15 अक्टूबर का जो लास्ट डेट डिसाइड किया गया था, ये इसलिए डिसाइड किया गया है कि एक टारगेटेड लोगों को लेकर के अब हमें आगे बढ़ना है, उन टारगेटेड लोगों तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाना है, इसलिए ये डेट डिसाइड किया गया था। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन होंगे, निश्चिंत रहिए, लेकिन बिना तैयारी के ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन करा करके, आंसर टिक मार्क करके, अपना रैंक सबमिट करके कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप रैंक सबमिट करेंगे, आपका रैंक या आप लोगों के बीच में अपना रैंक आप नीचे देखेंगे, आपका मोरल डाउन होगा। पेपर के समय मोरल डाउन करने वाला ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जो कि आपके लिए आगे हानिकारक हो। तैयारी कीजिए, आप बाद में बोलेंगे मैं बाद में भी आपको आपका रैंक बता दूंगा,
ठीक, लेकिन तैयारी करके ही रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। नवंबर में भी करवा सकते हैं, दिसंबर में भी करवा सकते हैं, जनवरी में भी करवा सकते हैं, लेकिन तैयारी मस्ट है। ठीक, देखिए आपका 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन का लेवल। क्वेश्चन का लेवल एवरेज रखा गया है, ना ही ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन का डिमांड किया गया है, ना ही ज़्यादा लो लेवल। देखिए इसमें किसी भी प्रकार का जो प्रश्न पत्र सेट किया गया है उसमें किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर रहे हैं। पुराने ट्रेडिशनल क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के पूछे जाने की कोशिश की जा रही है। किसमें, जैसे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री हो गए, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी हो गए। नए क्वेश्चन आपको किसमें देखने मिलेंगे, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स, छत्तीसगढ़ बजट, इंडियन बजट, इंडियन इकोनॉमिक्स, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, इसमें आपको नए क्वेश्चन देखने मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के जो आपके जनरल स्टडी के सब्जेक्ट है, जैसे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री हो गया, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी हो गया, इसमें भी आपको कम से कम 20-25-30 नए क्वेश्चन देखने मिलेंगे। लेकिन काफी क्वेश्चन ऐसे पुराने क्वेश्चन है जिससे बदल करके उसमें कुछ उलट फेर करके आपके पास उसे रखा गया है। आपका देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें शुरू में कुछ ईजी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसे देख करके ये कमेंट मत कीजिएगा कि पेपर काफ़ी इजी था। आप सभी को मालूम है पिछले बार जो पीएससी हुआ, पिछला पीएससी सीजीपीएससी प्री 2018, अब ये 2019 होने वाला है, सीजीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन पेपर काफ़ी सरल आया था। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया में बहुत हवा उड़ाया कि क्वेश्चन पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था, काफ़ी ईजी था। क्वेश्चन पेपर का अगर लेवल ईजी आता है तो वो आपके अकेले के लिए ईजी नहीं है, ओवरऑल छत्तीसगढ़ में जितने लोग हैं वो सभी के लिए ईजी है। मैटर ये करता है कि आप सिलेक्शन दे पाते हैं कि नहीं। आपके आपको इजी लग रहा है तो सामने वाले के लिए भी इजी होगा। आपने 100 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसने इजी होने के कारण 100 में से 90 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है। यहां पे जहां पेपर इजी आता है वहां कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि आप में जो कुछ लोगों को पेपर इजी लगेगा, इजी तब बोलिएगा जब आप ये जो रैंकिंग सिस्टम जो हमने लाया है उस रैंकिंग सिस्टम में आप टॉप पोजिशन पर आइए, उनके लिए काफी अच्छा है। देखिए यहाँ पर आप एक पेपर में आपकी रैंक वेरी करते रहेगी। किसी का छत्तीसगढ़ हिस्ट्री अच्छा है तो उसका रैंक अच्छा आएगा, किसी का छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी अच्छा है तो उसका रैंक अच्छा आएगा, किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा है तो वो इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएगा। यहाँ हर किसी एक व्यक्ति विशेष का एक सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग होता है, तो वहाँ पर आप अपना देखिए, बहुत से लोगों का छत्तीसगढ़ हिस्ट्री कमज़ोर होगा, या छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी कमज़ोर होगा, या इंडियन हिस्ट्री कमज़ोर होगा, या इकोनॉमिक्स आपका कमज़ोर होगा, तो उसमें अपना रैंक देख करके अपना मोरल डाउन मत कीजिएगा। पेपर में मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें जो पेपर जो सेट किया गया है तो इसमें आप किसी एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, उसके आधार पर आप ये अपने आप को जज मत कीजिएगा कि मेरा रैंक डाउन हुआ है। ठीक, क्वेश्चन पेपर का लेवल इजी होगा या आपके इजी होगा या टफ होगा ये डिपेंड करेगा आपकी रैंकिंग के ऊपर। ठीक, पेपर सेट किया गया है, एवरेज क्वेश्चन लेके किया गया है, अच्छे क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, और साथ ही साथ आपके इकोनॉमिक्स में आपको नए क्वेश्चन अच्छे देखने मिलेंगे। ठीक, अब देखिए पेपर की टाइमिंग क्या रहेगी। पेपर, सबसे पहली बात तो पेपर आपको सुबह 9 बजे, जिस डेट आपका एग्ज़ाम रहेगा उस डेट सुबह 9 बजे मॉर्निंग में आप तक आपके क्वेश्चन पेपर आपके मेल में सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक, अब बात आती है कि पेपर को सॉल्व कब करना है। सीजीपीएससी ई पाठशाला कोई इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट नहीं कराया जा रहा ये टेस्ट सीरीज़। सीजीपीएससी ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को देखने वाले पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में बहुत से लोग हैं, कुछ लोग बैचलर हैं, कुछ लोग जॉब वाले हैं, तो किसी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो पर्टिकुलर एक दिए गए सेलेक्टेड टाइम में ही आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए अपनी ईमानदारी से कीजिएगा, 2 घंटे का समय निकाले कीजिएगा। सीजीपीएससी प्री के जो एग्जाम होते हैं उसमें 2 घंटे का ही समय दिया जाता है, व्यापम में 3 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में 2 घंटे का समय दिया जाता है एक पेपर सॉल्व करने के लिए। तो 2 घंटे का समय निकाल करके ही एक बार में पूरे 2 घंटे में एक पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपके पास 9 बजे क्वेश्चन पेपर आया तो आप 9 बजे ही सॉल्व कर रहे हैं। जब भी आप फ्री हो, दोपहर को 12 बजे फ्री हो 12 बजे सॉल्व कीजिए, 2 बजे फ्री हो 2 बजे सॉल्व कीजिए, रात को फ्री हो रात को 2 बजे फ्री हो तो रात को सॉल्व कीजिए, लेकिन एक बार में कंटिन्यू 2 घंटे का समय निकाल करके ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब आपने सॉल्व कर लिया, अब बात आती है पेपर चेक करने की, आंसर की। आंसर की देखिए, आंसर की जैसे ही आप 100 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लास्ट में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके भी आप आंसर की देख सकते हैं। अभी आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कैसे आप आंसर की ले सकते हैं। उसके बाद आपका फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल के आपकी कम्युनिटी टैब में इसका आंसर की आपका दे दिया जाएगा, वहां से जाके आप आंसर की देख सकते हैं। ठीक, फिर बात आती है रैंक की। आंसर की से आप अपना पेपर चेक करके कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल मार्क्स,
2R-0.66W। यहाँ पे R क्या है, R है आपके राइट अटेम्प्ट, मतलब कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक। W क्या है, रॉन्ग अटेम्प्ट, मतलब टोटल में से आपके कितने प्रश्न गलत हुए। मान लीजिए राइट अटेम्प्ट में है आपके 50 क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किए और आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। 50 क्वेश्चन सही सॉल्व किए, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आपके जो टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स होगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए R, R मतलब राइट अटेम्प्ट यानी 50 माइनस 0.66 मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए एक सही प्रश्न के CGPSC प्री में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, वहीं गलत होने पर आपके 1/3 मार्क्स यानी 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। तो यहाँ ये मत बोलिएगा कि 0.33 होना चाहिए, 2 मार्क्स के 1/3 काटा जाएगा यानी 2/3 मार्क्स काटा जाएगा, इसलिए 0.66 है। इसको लेके आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, टेस्ट सीरीज में आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। तो ये हो गया आपका 100 माइनस ये हो गया 6.6, मतलब आपका मार्क्स आ रहा है 93.4, ये आपके मार्क्स है, ठीक है। अब इसको सबमिट कैसे करना है, ये आप अपना मार्क्स कैलकुलेट करके, देखिए मैं रैंकिंग सिस्टम बता रहा हूँ आपको, मार्क्स कैसे सबमिट करना है, आपको मार्क्स सबमिट करना है, आपके पास समय कब तक है आपके पास मार्क्स सबमिट करने का, ये समझ लीजिए 20 अक्टूबर को आपका पेपर है, मान लीजिए जिस दिन आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके अगले दिन शाम को 7 बजे तक आपकी रैंकिंग आपको बता दी जाएगी। देखिए नेक्स्ट डे इवनिंग 7 PM जिस रोज पेपर मिलेगा उसके अगले दिन शाम को 7 बजे तक आपको आपकी रैंकिंग बता दी जाएगी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू और आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू, ठीक है। देखिए अब रैंकिंग कैसे करना है, इसके लिए लिंक दिया गया है क्वेश्चन पेपर के लास्ट में। देखिए आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी खोलेंगे तो आपके ईमेल आईडी में यहाँ पे PDF दिया गया है, यहाँ पे आप एरो में क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके फाइल मैनेजर में जाकर डाउनलोड हो जाएगा। यदि ऐसे डाउनलोड नहीं करना है तो देखिए, तो आप जैसे ही ओपन करेंगे PDF को तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मार्क्स कैलकुलेशन दिया गया, जो चीज़ मैंने यहाँ बताई है वही सारे मार्क्स कैलकुलेशन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक। यहाँ पे बताया गया है कि आपकी रैंकिंग और आपका रिजल्ट, कि जैसे 20 अक्टूबर को आपका टेस्ट पेपर है, 21 अक्टूबर को शाम को 7 बजे तक फेसबुक और टेलीग्राम के थ्रू आपका ये रैंकिंग बता दिया जाएगा, ठीक। वैसे ही आपकी जैसे ही आप 100 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नीचे देखिए ऐसे टाइप के आपको 2 लिंक दिए रहेंगे, एक है आपका आंसर की, नीचे है यूअर मार्क्स सबमिशन। जैसे ही आप आंसर की वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर आपका आंसर की ओपन हो जाएगा। आंसर की आप कभी भी ओपन कर सकते हैं, आंसर की के लिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर के एंड में ही जो लिंक दिया है वहां पे आपको आंसर की मिल जाएगा। तो ऐसा आंसर की ओपन होगा जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर यहां पे 3 डॉट्स बने हुए वहां पे जाकर के एक डाउनलोड का ऑप्शन है, उस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। वैसे ही अब आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद अब बात आती है मार्क्स सबमिशन की, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आप देखिए यहाँ लिखा हुआ यूअर मार्क्स सबमिशन फॉर रैंकिंग, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक फॉर्म ओपन होगा, जो रजिस्ट्रेशन के समय जैसे आपको फॉर्म दिया गया था वैसा ही फॉर्म है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम दिया गया है, जिले का नाम दिया गया है, राइट अटेम्प्ट, देखिए यहाँ पर राइट अटेम्प्ट मतलब आर, इसमें आपको क्या फिल करना है, इसमें आपको इस फॉर्म में ये जो आपका राइट अटेम्प्ट आर दिया गया है इसमें आपको सबमिट करना है ये 50, मतलब कितने प्रश्न आपने सही किए, नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट यानी कितने प्रश्न गलत किए, यानी यहाँ हमने 50 क्वेश्चन किए तो यहाँ आप 50 फिल कर दीजिए, फिर यहाँ पे 50 लिख दीजिएगा, रॉन्ग अटेम्प्ट में यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। मार्क्स सबमिशन जो हमने मार्क्स यहाँ पे निकाला 93.4, उसे यहाँ पे फिट करके सबमिट कर दीजिएगा, बस आपका इतना ही काम है। तो आप 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 2 दिन का समय है जिस समय में आप अपना पेपर दे सकते हैं, ठीक है, इस 2 दिन में आप अपना पेपर दे करके अपना रैंक सबमिट कर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट दूसरी चीज़ जो आपका इसमें पेपर में आप कहीं पर भी जनगणना वाले आंकड़े देखते हैं, जनगणना वाले आंकड़े आप कहीं पर भी देखेंगे या जनगणना से रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में, उसमें जो भी आप आंसर सेलेक्ट करेंगे वो आप 27 जिलों के आधार पर करेंगे। जनगणना के समय छत्तीसगढ़ में आपके 18 जिले थे, ठीक, लेकिन आपको आंसर सेलेक्ट करना है आपको 27 जिलों के आधार पर। पिछले बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें 27 जिलों के आधार पर जनगणना के सारे आंकड़े गवर्नमेंट जारी कर दिए हैं, ठीक है, तो आंकड़े आप 27 जिलों के आधार पर ही
लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ है। दूसरी चीज़ दावा आपत्ति। देखिए, अगर किसी प्रश्न में हमारे द्वारा लिए गए किसी भी उत्तर पे या आंसर पे आपको अगर लगता है कोई डाउट लगता है तो आप ऑथेंटिक सोर्स के साथ आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्स जैसे छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट है तो इसमें आप उपकार पब्लिकेशन को लेकर मत आइएगा। उपकार पब्लिकेशन हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है, जो आपका छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ है उपकार पब्लिकेशन का, वो ऑथेंटिक बुक नहीं है। छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की बुक लेकर के आएंगे उसे ऑथेंटिक माना जाएगा। छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की आप केवल एक ही बुक जानते हैं, केवल छत्तीसगढ़ समग्र। उसके अलावा भी बहुत सारी बुक आती है। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री आता है, छत्तीसगढ़ की भूगोल आता है, छत्तीसगढ़ की जनजाति आती है, छत्तीसगढ़ का आपका अर्थव्यवस्था आता है, छत्तीसगढ़ की आपकी वार्षिकी आती है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका ग्राम पंचायती, सभी ग्रंथ अकेडमी की बुक है, मार्केट में अवेलेबल है, देख सकते हैं। उसमें के जो आंसर है उसे ऑथेंटिक लिए जाएंगे, या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो गवर्नमेंट जो आपके आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसका जो आंसर लिया गया है उसी को ही ऑथेंटिक आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ बताना था कि हाँ, रैंकिंग आप कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़ों के लिए आपको लाइव डेमो बता दिया गया है। इसके आधार पर आप रैंक सबमिट कर सकते हैं। पेपर देखिए, यहाँ पर आप अपना रैंक जो है इस पोजीशन पर आ करके मैं आपसे ईमानदारी की उम्मीद करता हूँ। लोगों के सामने इम्प्रेशन बनाने के चक्कर पे आप ज़्यादा मार्क्स यहाँ सबमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैं यहाँ ज़्यादा मार्क्स सबमिट कर देता हूँ मेरा रैंकिंग अच्छा आएगा, लोग मुझे जानेंगे, ये कोशिश मत कीजिएगा। इस पोजीशन पर आप PSC की तैयारी कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे ईमानदारी की उम्मीद करता हूँ। आपकी ईमानदारी आपके साथ है, बेईमानी करेंगे तो आपका घाटा होगा। ठीक, तो पूरी ईमानदारी से 2 घंटे का समय निकाल के पेपर दीजिएगा और जो एक्चुअल मार्क्स आ रहे हैं उसे ही सबमिट कीजिएगा। यहाँ आपकी जो गलती होगी या आपका रैंक डाउन होगा तो ये आपको मोटिवेट करेगा और तैयारी करने के लिए। बेईमानी थोड़ा सा भी मत कीजिएगा। ठीक है, टेस्ट पेपर आपके लिए आया है, तैयारी करके ही रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे से जब रजिस्ट्रेशन की डिमांड करेंगे मैं आपका तब रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, जब रैंक की डिमांड करेंगे मैं आपको तब रैंक निकाल के दे दूंगा, लेकिन तैयारी करके ही रजिस्ट्रेशन कराइएगा। बिना तैयारी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।